देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस संचालक को सेक्टर 15 से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने चार लड़कियों को भी मुक्त कराया है। पुलिस ने बताया कि 1 सितंबर को गिरफ्तार हुए आरोपितों के गैंग से गेस्ट हाउस संचालक सुमित भी जुड़ा था। उसने अपने गेस्ट हाउस में ही अपहरण या बहला फुसला कर लाई गई लड़कियों को छिपाया था। इन्हें भी डॉक्टर हाकिम ने ही अपने जाल में फंसाया था। इलाज के बहाने इनके प्राइवेट पार्ट की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। पुलिस ने गैंग से कई दलालों के साथ करीब 100 लड़कियों व महिलाओं के जुड़े होने का दावा किया है। मंगलवार को रिमांड की अवधि पूरी होने पर पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक समेत सभी आरोपितों को जेल भेज दिया। पुलिस का दावा है कि दिल्ली के सराय काले खान निवासी सुमित का गैंग की महिला प्रीति, डॉक्टर हाकिम उर्फ मामा, संतोष और सौरभ से संबंध है। हाकिम लड़कियों को प्रीति तक पहुंचाता था और वे उन्हें गेस्ट हाउस के पीछे बने दो कमरों में छिपा देती थी। यहां ग्राहकों को दिखाया जाता था। पुलिस का दावा है कि यह सेक्स रैकेट गैंग है। गैंग से जुड़ी लड़कियों को कुछ लोग 10 से 15 दिन के लिए अपने साथ गोवा, मुंबई, हरिद्वार सहित अन्य शहरों में लेकर जाते थे। कुछ लड़कियां दिन भर के लिए फ्लाइट से दूसरे शहरों में भेजी जाती थीं। हाकिम से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें सैकड़ों लड़कियों की फोटो है। हाकिम मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसने 15 साल पहले जे कॉलोनी में एक छोटे से कमरे में क्लिनिक खोला था। पिछले 2 साल में उसने काफी तरक्की की और 5 मंजिला मकान बनवा लिया। इसके साथ 2 प्लॉट भी खरीदे हैं। पुलिस से भी इसकी अच्छी सेटिंग थी। आरोप है कि पुलिस की मदद से ही धंधा चल रहा था। 2 साल पहले सौरभ और हाकिम साथ मिलकर सेक्टर 8 में धंधा कर रहे थे। जब काम बढ़ा तो उनमें विवाद हो गया। इसके बाद सौरभ सेक्टर 11 और हाकिम सेक्टर 15 में काम करने लगा। ग्राहकों की पसंद के मुताबिक लड़कियां उपलब्ध कराने में दोनों एक दूसरे की मदद भी करते थे।